जब हम खाने की बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में आती हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये हेल्दी है, ये हमारे लिए हेल्दी नहीं है। सेम चीज ड्रिंक्स को लेके है, लेकिन आज की वीडियो डायबिटीज वाले पेशेंट के लिए भी उतनी ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि डायबिटीज के पेशेंट्स को ना बहुत ज्यादा इश्यू होता है उनके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं। आज मैं बात करने वाली हूँ गर्मियों में एक ऐसे मैजिकल ड्रिंक के बारे में जो आपकी गर्मियों में बहुत अच्छी हेल्प करेगा, सर से लेके पैर तक आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करेगा। इससे बेस्ट ड्रिंक हो ही नहीं सकता। हेलो एवरीवन, वेलकम टू उपासना की दुनिया। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे हैं, सबके लाइफ बहुत ज्यादा अमेजिंग चल रही है। मैंने हमेशा एक चीज कही है कि हमारी प्रकृति बहुत ज्यादा खूबसूरत है, बहुत सारे खूबसूरत गुणों से उसने हमें नवाजा है, और ऐसे ऐसे प्लांट्स दिए हैं जो नेचुरल सोर्स हैं प्रोटीन का। तो आज एक ऐसे प्रोटीन के मैं ड्रिंक की बात करने वाली हूँ जो आपके लाइफ में चेंजेस ला सकता है सर से लेके पैर तक। और आज हम बात करेंगे सत्तू। सत्तू क्या होता है? जो हमारे चने हैं उसका पाउडर। हम रोस्टेड चने खाते हैं, आपको एनर्जी देता है, ताकत देता है, मसल्स को रिपेयर करता है, उसका पाउडर। लेकिन जब आप गर्मियों में इसका इनटेक करते हो अलग अलग वे से, तो ये आपके एनर्जी के लेवल को यहाँ पे ले जाता है, मतलब इतना ड्रास्टिक चेंज करता है। जिन भी लोगों को क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन रहती है, ठीक है, पेट साफ नहीं होता, गैस बनती है, एसिडिटी बनती है, अगर आप डेली सुबह उठ के खाली पेट एक गिलास पानी, उसमें लगभग 1-1.5 चम्मच सत्तू पाउडर, हरा धनिया हल्का सा काट के, जीरा पाउडर भून के, नमक और आधा नींबू मिला के उसका ड्रिंक बना लें और उसे अगर आप खाली पेट पीते हैं, तो ये आपके स्टमक को फ्लश आउट करने में बहुत अच्छा काम करता है। हम बोलते हैं कि हमारी जो डाइट है वो बहुत बैलेंस होनी चाहिए, उसमें प्रोटीन होना चाहिए, उसमें फैट होना चाहिए, उसमें कार्ब्स होने चाहिए, फाइबर होना चाहिए, असेंशियल अमाइनो एसिड्स होने चाहिए, लेकिन ऐसा कलेक्टिव कलेक्शन बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है। सत्तू एक ऐसा ड्रिंक है जिसमें ये सारी चीजें अवेलेबल हैं और वो अपना बेनिफिट आपकी बॉडी पे दिखाता है। जो लोग बहुत ज्यादा वीक फील करते हैं, बहुत ज्यादा लिथार्जिक फील करते हैं, थोड़े टाइम के बाद लगता है कि यार बेजान सी बॉडी है, ऐसे करके बिल्कुल मरे हुए हैं बिल्कुल, उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। इसको लेने के अलग अलग तरीके, आप सत्तू जो है इसकी रोटी बना के ले सकते हो, आप ड्रिंक में ले सकते हो, आप लस्सी के साथ इसे पी सकते हो। और जो भी लोग, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, जिन्हें लगता है कि उनकी बॉडी में थकान ही बहुत ज्यादा और वीकनेस एक एक्सट्रीम लेवल पे है कि मन नहीं करता कुछ उठने का, जैसे होता है ना ज़ॉम्बी कि बस शरीर चल रहा है, मुर्दे चल रहे हैं, वो लिटरली ऐसे भी लोग हैं जो चलते फिरते मुर्दे हैं, जहां बैठे वहीं बैठे रहे, जहां से उठे वहीं चलते रहे, समझ ही नहीं आता कि बॉडी जा कहां रही है। उनको क्या करना है, वो जस्ट इस रेसिपी को फॉलो करें, ठीक है, और 15 दिन अपनी डाइट में इंट्रोड्यूस करें और उसके बाद डिफरेंस देखें। आपको क्या करना है, एक गिलास दूध लेना है, लगभग 10 ग्राम पाउडर सत्तू का उसमें ऐड करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, 3-4 खजूर लेनी है, उसको काट के उसमें डाल लिया, और आधा केला या एक केला उसका आप शेक बना लो। डेली सुबह उठ के जो पहली चीज आप लोगे वो इसे लेना स्टार्ट करो। लेकिन जिन्हें बहुत ज्यादा एक्सट्रीम एसिड बनता है, बहुत मतलब खट्टा पानी, कड़वाहट, वो इसको ना ले खाली पेट, वो लोग शाम को ले लें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि पित्त इतना बड़ा होता है कि लोग जब सुबह लेते हैं, और केला किसी किसी को एसिडिटी करता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम, वो भी बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है। तो यहाँ पे आपको ये चीज फॉलो करनी है। डेली आप इस ड्रिंक को लो, बच्चे हैं बच्चों को आप दो, बहुत अच्छा वर्क करेगा। बहुत सारे घरों में आज भी क्या किया जाता है, जैसे पूरी बना रहे हैं, परांठा बना रहे हैं, जैसे हम नमक का बनाते हैं, सत्तू की फिलिंग करके बनाया जाता है, कचौड़ी में सत्तू की फिलिंग की जाती है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट वे से उसका इनटेक किया जाता है, जो कि बहुत अच्छा काम करता है। उसके बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी बहुत ज्यादा लीन है, और बहुत सारी फीमेल है, देखिए अगर वातज प्रकृति है तो ऑब्वियसली वहां पे सेटल होने में टाइम लगता है, वो वेट जल्दी गेन नहीं करते, मसल्स बिल्डअप नहीं होती, लेकिन बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ आना स्टार्ट हो जाती है। तो आप लोग भी सत्तू को अपनी डाइट में इंट्रोड्यूस कर सकते हो। डायबिटीज वाले लोगों के लिए इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, लिवर पे वर्क करेगा, पेनक्रियास पे वर्क करेगा, बीटा सेल पे वर्क करेगा, वो इंसुलिन के रेजिस्टेंस को मेंटेन करना स्टार्ट कर देंगे, तो ग्लूकोजेनेसिस की प्रोसेस इंप्रूव होगी और आपका डायबिटीज में जो शुगर लेवल है वो मेंटेन होना स्टार्ट हो जाएगा, चाहे वो कितना भी अप हो। जिन लोगों को जॉइंट पेन रहता है, जैसे अर्थराइटिस वगैरह है, ठीक है, वहां पे क्या होता है, सत्तू ठंडा होता है। अब लोग बोलेंगे ठंडा और दर्द करेगा,
लेकिन वो richest सोर्स ऑफ प्रोटीन है, तो वहाँ पे वो बॉडी को मसल्स को स्ट्रेंथ देगा और बाय को एलिमिनेट करेगा ड्यू टू इट्स जो भी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करा इसकी प्रॉपर्टीज की वजह से, और अमाइनो एसिड ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट है, तो ये इतना अच्छा काम करता है। तो जिन लोगों ने अभी तक इसको अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस नहीं किया है वो लोग आज ही जाइए, खरीद के लाइए और इंट्रोड्यूस करिए। एक दिन में मैक्सिमम आप कितनी क्वांटिटी तक सत्तू को ले सकते हो, तो एक हेल्दी बंदा भी 40 से 50 ग्राम तक भी अगर लेगा तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो आप इजीली ले सकते हो और बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। अब बात करते हैं बॉडी में पित्त की। जैसे बहुत लोगों की तासीर गर्म होती है, इजीली चीजें डाइजेस्ट नहीं होती और हीट निकलती रहती है, वहां पे आप सत्तू लो बहुत अच्छा काम करेगा। और किसी को वैसे ही खाने में दिक्कत है, कुछ भी नहीं लिया जाता, सीधा पाउडर लेके पानी से निगल लो, पानी में घोल के ले लो, फ्लेवर नहीं करना, बाकी आप किसी भी चीज में इसे इंट्रोड्यूस करके ले सकते हो। हेयर को स्ट्रेंथ देगा क्योंकि प्रोटीन है, फाइबर है, कार्ब्स है, न्यूट्रिशनल जितनी चीजें चाहिए वो हर चीज है। और सोचो प्लांट बेस है, प्योरली वीगन है, इससे ज्यादा इंसान को क्या चीज चाहिए। प्लांट्स हैं, नेचुरल हैं, विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो इंसान को बस अपनी जिंदगी में ना पॉजिटिव रहना चाहिए और प्रकृति के पास रहना चाहिए, उन चीजों को जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। अब छोटे बच्चे 3 साल से कम उम्र के, वहां पे आप इसे क्या कर सकते हो, सत्तू पाउडर को जैसे थोड़ा सा दूध में घोल के उनको जैसे थिक पेस्ट बना के दे दिया। गर्मियां आ रही हैं, जैसे 6 महीने के बच्चे हैं, 1 साल का बच्चा है, बच्चों को कब्ज रहती है, उनका पेट साफ नहीं होता, तो वहाँ क्या करो, थोड़े से दूध में मिक्स करो, उसका पेस्ट बना के दे दो, 1 खजूर का साथ में पेस्ट मिक्स कर दो, बच्चे आराम से उसे चाट लेंगे, पी लेंगे, इससे बच्चों की पुरानी से पुरानी कब्ज भी ठीक होती है। अब मोस्टली लोग बात करते हैं स्किन को लेके कि हमारी स्किन बहुत डल है, उस पे शाइन नहीं है, ग्लो नहीं है, हमारी डाइट बहुत अच्छी है। डाइट का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप फ्रूट्स खा रहे हो तो फ्रूट खाते रहो, वेजिटेबल ले रहे हो तो वेजिटेबल लेते रहो, डाइट का मतलब है बैलेंस डाइट, जिसमें आपके कार्ब्स, प्रोटीन, फाइबर, हर चीज बैलेंस हो और फैट भी। तो ये सत्तू पाउडर जो है आपकी स्किन के लिए भी उतना ही बेनिफिशियल है, एंटी एजिंग का काम करेगा, स्किन को टोन अप करेगा, स्किन पे ग्लो लाने में हेल्प करेगा और विजन पे भी वर्क करेगा जिनकी आई साइड वीक होती है, क्योंकि रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है। तो आप सोचिए कि यार आज तक हम सिर्फ टेस्ट के लिए या किसी चीज के लिए चीजों को इग्नोर करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो टेस्ट को लेके दे आर वेरी पर्टिकुलर कि नहीं हम ये खा सकते हैं ये नहीं खा सकते, लेकिन यहाँ आपको किसी चीज का सोचना नहीं है, जस्ट टेक इट द वे यू वांट, जैसे आपको लेना है वैसे आप इंट्रोड्यूस करो, जिस चीज के साथ लेना है वैसे आप लोग बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। और बाकी यार इस वीडियो में मैं इतने सारे बेनिफिट्स आपको बता चुकी हूँ, मुझे लगता है कि यहीं पे मुझे पूर्ण विराम लगा देना चाहिए और कंफ्यूज कभी नहीं होना है। इस चैनल पे एक टॉपिक को लेके कई बार वीडियोस बनाई गई हैं और उसमें सिचुएशन बताई गई है अलग अलग, तो आपको जो अच्छी लगे आप वो स्टार्ट करिए, आपको हर वीडियो से हर रेमेडी से कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी और उतना ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो बस मुझे लगता है कि इतने बेनिफिट्स काफी हैं आप लोगों के लिए उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए, तो बस इस मैजिकल ड्रिंक को अब आपने इंट्रोड्यूस करना है और अपना फीडबैक जरूर शेयर करना है। आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया और उसका लाइव एग्जाम्पल मेरा ये दूसरा चैनल डॉक्टर उपासना वोहरा है, जहाँ पे आप हमारे पेशेंट से लाइव मिलते हैं, उन्हें देखते हैं, सुनते हैं और वो अपनी जर्नी शेयर करते हैं। बस मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ, जैसे आप लोग करें, बहुत सारे लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, तो पेशेंस रखना है, 2 से 3 दिन 4 दिन रिवर्ट आने में इतना टाइम लगता है क्योंकि हमें अच्छे से आपकी प्रॉब्लम को समझाना है और सॉल्व करना है, तो प्लीज पेशेंस रखिए। और मैं हमेशा कहती हूँ इतनी दूर से विजिट मत करिए, ऑनलाइन भी सेम है, बस आप स्टार्ट करिए, बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा। आप लोगों ने उपासना की दुनिया को बहुत प्यार दिया, आगे भी इसी तरह से देते रहें। उपासना की दुनिया को बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।